जन शक्ति पार्टी में पड़ी दरार। लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा ने छोड़ी पार्टी। लोजपा सेक्युलर के नाम से बनाई नई पार्टी। रामदास पासवान पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। पूर्णिया एसपी के आदेश के बाद जिले के अलग अलग थानों से 72 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी ने दिए निर्देश। पटना में दिखा लोगों का बवाल। जीपीओ गोलंबर पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और दुकानदारों के बीच हुई झड़प, तो वहीं छात्रा के गायब होने पर परिजनों ने सड़क पर काटा बवाल। सुपौल में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने नेपाल के कोसी बराज तटबंध का किया निरीक्षण। कोसी बांध को देख हुए संतुष्ट, कहा सरकार बाढ़ से निपटने के लिए है तैयार। पटना में बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने छात्रों के लिए 2019 और 20 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर किया जारी। बिहार में पहली बार वार्षिक परीक्षा कैलेंडर किया गया जारी। अगले साल इंटर की परीक्षा 3 से 13 फरवरी तक, तो मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। नमस्कार, मैं हूं श्यानी और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि इस दौरान लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। वहीं लोजपा के टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ अपनी एक अलग पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर बना लिया। 12:30 बजे का कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और परिवारवाद को समाप्त करने के लिए लोकसभा के चुनाव में, आम सभाओं में निरंतर अपनी बात कहते रहे, लोगों को रिझाते रहे। हम इन तीनों नेताओं से सवाल करना चाहते हैं आग्रह पूर्वक कि उनको राजीव गांधी का और राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का यानी कांग्रेस का परिवारवाद दिखा, राजद का, आरजेडी का परिवारवाद दिखा, लेकिन उनके साथ जो गठबंधन में लोजपा रही उसका परिवारवाद और भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा। पटना में 4 जुलाई को आजमीन हज यात्रा की शुरुआत को लेकर हज भवन में बैठक हुई। वहीं बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद अहमद और विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुभानी सहित पीएचईडी, पटना पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसी तरह का जो है बस यही ज्यादा हम क्या करेंगे, किसी तरह का स्पष्ट आदेश हमें प्राप्त हुआ है विभागों और अधिकारियों से बात करने के लिए। और इसके अलावा जो माननीय मंत्री जी ने कहा उसके अलावा हज कमेटी की आवश्यकता क्या है और विभाग उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, इस पर विभागवार अभी चर्चा होगी, उसमें ये सारे बिंदु आ चुके। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार क्राइम रोकने के लिए हमेशा तत्पर है, इसके लिए प्रशासन को खुली छूट दी गई है। देखिए, कानून व्यवस्था का समय समय पर सरकार समीक्षा करती रहती है। अभी हाल ही है मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा किया और सभी थानों को, एसपी को और उसके ऊपर के पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। डीआईजी तक को कहा गया है कि आप जाके अनुमंडल में रहें और रात्रि विश्राम करें और वहां की स्थितियों का आकलन करें और पूरी तरह से कानून व्यवस्था। पटना में बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने छात्रों के लिए 2019 और 20 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। बता दें कि बिहार में पहली बार वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर के अनुसार इंटर की परीक्षा अगले साल 3 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी और बात अगर मैट्रिक की परीक्षा की करें तो कैलेंडर के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु
आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर आज जारी किया गया। इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी 2020 से लेकर 13 फरवरी 2020 तक आएगी। समय चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्णिया एसपी के आदेश के बाद जिले के अलग अलग थानों से 72 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी विशाल शर्मा ने समकालीन अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 72 अपराधियों को गिरफ्तार किया। और अपहरण जैसे गंभीर शेष हैं उनके अपराधियों के और अन्य संगठित अपराधियों के विरुद्ध एक ड्राइव चलाया गया, जिसमें सभी सीनियर ऑफिसर भी फील्ड में थे और सभी थाना से लेकर सारा स्टाफ फील्ड में था। तो संगठित एफर्ट के चलते जो है पिछले 24 घंटे में 72 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई NPW कांडों के मर्डर केसेस के, कई ग्रुप केसेस के अपराधियों की अरेस्टिंग हुई है और उसी क्रम में कई केसेस की डिटेक्शन भी हुआ है। मरंगा में जो एक मर्डर हुआ था उसमें 24 घंटे में 2 लोग की अरेस्टिंग हुई है। इसके अलावा धमतरा में 7 तरह लोग की घटना घटी थी, उसमें एक संगठित गिरोह था जो काम कर रहा था मधेपुरा का था, उसमें मधेपुरा का एक अपराधी और उसके साथ रुके हुए 3 मोटरसाइकिल की गिरफ्तारी की गई है। ये ड्राइव कंटिन्यूसली चलता रहेगा और आज फिर हम लोग का ड्राइव है। जितने भी वांछित अपराधी हैं और जिन लोगों ने बेल नहीं ली है विभिन्न विभिन्न कांडों में, निश्चित रूप से सबकी गिरफ्तारी करके सबको बेल नहीं ली। गोपालगंज के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने महिला को खून चढ़ाकर चले गए। रात में जब महिला को बेचैनी हुई तो कोई देखने वाला नहीं था और महिला ने रात में दम तोड़ दिया। डेथ हुआ, ब्लड चल रहा था, कोई डॉक्टर नहीं आया, उसके बाद कोई देखभाल कोई नहीं किया, पूरा ब्लड चढ़ गया, उसके बाद बेचैनी लग गया 2 बजे बाद से। डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर का लापरवाही से हो गया। डेथ हुआ 4 बजे, डॉक्टर बुलाने हम लोग गया था 2 बजे से बेचैनी लगा, तो डॉक्टर बुलाने गया तो वो लोग बोलती है कि दीदी आएगी तो इंजेक्शन लगाएगी। सुपौल सहित सूबे के सांकेतिक बाल विकास परियोजना में निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना में महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर बहाली निकाली गई है। पद के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 जून थी, जिसे बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है। महिलाओं से विकास आयका के लिए पहले 10 जून को आवेदन लिए जाने का था, लेकिन अब 20 जून कर दिया गया है। 20 जून तक की समय सीमा बढ़ाई गई और LS के लिए 10/7/19 तक की सीमा बढ़ाई, यानी 10 जुलाई 2019 तक की समय सीमा बढ़ाई गई आवेदन लेने। मार्गदर्शिका के अनुसार 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जिसके लिए आपको स्नातक और स्नातकोत्तर, ये सीधी नियुक्ति वालों के लिए है, उसका प्रावधान है और उसमें निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाइन अपलोड करना है जो जिला से। मधुबनी के झंझारपुर थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कियों के बाल काट दिए, साथ ही पीड़िता के भाई की जमकर पिटाई भी की। वहीं पीड़ित के परिजनों ने थाना में लिखित आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस ने दर्जनों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। एक मुस्लिम परिवार है जिसके विरुद्ध गांव के कुछ लोग मिलकर उसके और उसकी बेटियों के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए एक पंचायत खाप पंचायत का इनका बता कर उनको सब कुछ जब्ती किया गया है, मार्केट देखी गई है। ये सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है तो उसके बाद तुरंत FIR दर्ज की गई है। कल यहाँ से झंझारपुर थाना से टीम भी गई थी और वहाँ पर जाकर जांच की है और अभी मैं और यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर और झंझारपुर थाना अभी उस वक्त गए हैं, काम का पर्यवेक्षण किया है और उन लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की। हाँ, गेट के मुंह पे आ गए, हम लोग डर के मारे गेट लगा लिए, नहीं कुछ उससे मुंह लगाए, लेकिन रिकॉर्डिंग कर लिए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग लेके मेरा भाई ने चले गए हैं, बहुत लोग थे। पटना के बाईपास में अपराधियों ने एक युवक को मारकर एक बाउंड्री में फेंक दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती है।
पटना सिटी के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान बुजुर्ग दंपति ट्रेन के हादसे का शिकार हो गए, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बुजुर्ग दंपति की मौत की सूचना पाते ही जीआरपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। और इस रूट में कभी आते नहीं थे, तो वो बाईपास की तरफ जाते थे, तो 7 बजे जब नहीं लौटे घर में तो फोन किया गया, तो जीआरपी वालों ने फोन उठाया और कहा कि एक्सीडेंट हो गया है। फोन से काम पर टहल रहे थे मिट्टी में, इसी के जब व्यक्ति आके खबर किया कि दो व्यक्ति पति पत्नी कट गए हैं, आप रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म संख्या 3 से पूरा दौड़ कर गए तो दोनों की मृत्यु। पटना के जीपीओ गोलंबर के पास बकरी मार्केट में जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें कि यहां नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, जिसका विरोध वहां के दुकानदारों ने किया, जिसके बाद पुलिस और दुकानदारों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कई दुकानदार भी घायल हो गए। वहीं नाराज दुकानदारों ने आगजनी कर खूब बवाल काटा। सब मोटी निकाल रहे थे ना, कपड़ा निकाल रहे थे, वो आकर हमको पीछे से मार दिया सर पर, बोले तब पर ही हमको 3-4 लाठी मारा, देखिए हाथ से खून से कुछ गिरा। पीला कुर्ता पहने हुआ था एक आदमी, संजय नाम था उसका, नाम संजय उसका, वही मारा हमको सर। 2 मिनट का टाइम नहीं मिला, खाली करा आदमी कहां जाएगा, ऊपर से खाली करने का टाइम भी नहीं दे रहा है, कहां जाएगा सब आदमी। पटना में कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली छात्रा के गायब होने के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया है। बता दें कि आक्रोशित लोगों ने कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ भी की, वहीं उसके बाद लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर सड़क जाम किया। ऐसे कौन सी बात है जो आप अकेले करना चाहते हैं? सीडीआर निकाला जा रहा है, इसका क्या कास्ट है, क्या रिलीज है, फेसबुक यूट्यूब पबजी वाली जनरेशन है, समझ रहे ना, इसने आप ये मत कीजिए। और दूसरी बात, अभी तो वो फिक्स नहीं हुआ है, तो आप ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। पापा फिर क्या, लड़की के पापा से कल बात हुई हमारी, वो मेरे ऑफिस में आए, उनको कुछ भी मत बोलिए आप, ठीक है ना, बात हुई के बारे में, ठीक है, जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सारा, ये जो आप कर रहे हैं देखिए, अब ये बात बोलना नहीं चाहिए, अब पब्लिक के लिए आप बोलने के लिए मत लगाइए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, मीडिया है, फिर ये फालतू का आप और इसमें वो बच्ची का ये हो जाएगी, जो है सर आप चल देंगे सर, हम आपको प्रणाम करते हैं। आरा में लगातार बिजली नहीं मिलने की समस्या से त्रस्त लोगों ने आरा बक्सर मुख्य मार्ग पर जमकर आगजनी कर सड़क जाम किया। साथ ही सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने घंटों जमकर बवाल काटा। वहीं गुस्साए लोगों ने ऊर्जा राज्य मंत्री और सांसद आरके सिंह के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला और कहा कि जब ऊर्जा राज्य मंत्री के क्षेत्र में ही बिजली की दुर्दशा है तो देश का क्या हाल होगा। गया में प्रचंड गर्मी में भी शहरवासियों को बिजली और पानी नहीं मिल रही है, जिसे लेकर वार्ड 40 के आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग पर जमकर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। वहीं आक्रोशित लोगों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से बिजली ठीक तरीके से नहीं मिल रही है, जिससे पानी की भी समस्या उत्पन्न होने लगी है और कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी जाती है लेकिन आश्वासन देकर वो चुप बैठ जाते हैं। सुपौल में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा मंत्री बनने के बाद पहली बार नेपाल की कोसी बराज सहित कोसी तटबंध का निरीक्षण करने बीरपुर पहुंचे, जहां से बीरपुर के कोसी निरीक्षण भवन में बाढ़ पूर्व सुरक्षात्मक कार्य को लेकर बैठक की गई। साथ ही जल संसाधन मंत्री ने मीडिया को बताया कि कोसी बराज और कोसी बांध सुरक्षित है, साथ ही बाढ़ पूर्व कटाव निरोधी कार्य संतोषजनक बताया।
हम लोग आज सुबह पटना से यहाँ आए और पहले तो रिव्यू हुआ जो वहाँ पर बीरपुर और 22 योजना किया गया था इस बार नेपाल, हाँ नेपाल साइड, तो उसमें सारा कम्प्लीट हो गया है। एक साइड ब्लैक टॉप एक रोड का होना है, वो भी नवंबर तक हो जाए। रेस्ट जो एंटी इरोजन है फ्लड का, वो सारा काम कम्प्लीट हो गया है। कुछ साइड पे हम लोग गए भी थे, तो काम सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषप्रद है और होपफुली ऊपर वाले का ही रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बराज का सब गेट्स फंक्शनल है, आज वो लोग रिव्यू किए थे सुपरटेंडेंट इंजीनियर मैकेनिकल के साथ, और बराज भी फंक्शनल है और उसका जो स्काडा सिस्टम है जिससे कि रिपोर्ट होता है कि किस गेट का कितना ओपनिंग है, वो सब फंक्शनल है, दुरुस्त। ऑयलिंग ग्रीजिंग का काम हो गया है, जो रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस का काम होता है बराज में करा लिया गया। हम लोग आज सुबह पटना से यहाँ आए और पटना सिटी से सटे फतुहा रेलवे यार्ड में एक अनियंत्रित ट्रक ने चीनी और सीमेंट की देखरेख कर रहे मुंशी समेत एक मजदूर को रौंद डाला, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित मजदूरों ने मुआवजे को लेकर हंगामा किया है, साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की। जानकारी हुआ कि कोई लेबर है जो ट्रक से चापा पर गया है और लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम जो बताए हैं कि जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत सब कार्रवाई किया जाएगा। क्या अभिलाष नहीं उठाने देना? नहीं, अभिलाष नहीं उठाया, हम लोग इन्क्वेस्ट बनाने। कटिहार जिला के स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग से बाइक चोरी के प्रयास में एक चोर को वहां मौजूद लोगों ने रंगे हाथों दबोचा, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। ये खिरिया मंडल टोला सुनपुर मंडल की लड़का का शादी के उपलक्ष्य में पटना के अभिलेख भवन में उर्दू निर्देशालय और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से राज्य स्तरीय उर्दू कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर उर्दू निर्देशालय के निदेशक ने कहा कि इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य द्वितीय राजभाषा उर्दू को स्वर्णिम विकास और उसे व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए राज्य में बहाल उर्दू कर्मियों की दक्षता विकास एवं उर्दू के प्रति उन्हें जवाबदेह बनाना है। रियासती उर्दू अमलगाह है, यानी राज्य स्तरीय वर्कशॉप है। इसका मतलब यह है कि पूरे बिहार के तमाम अजला से उर्दू के जो मुलाज़मीन हैं वो यहाँ आए हैं, आज एक तरह से उनकी ट्रेनिंग है और सरकार का जो मंसूबा है और उर्दू का जो प्रोग्राम है उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उर्दू के विकास के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए इनको यहाँ बुलाया गया है। अब आज झारखंड के खबरों की करते हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मानसिक रूप से रोगी महिला को पुलिस द्वारा थाने लाने के क्रम में ग्रामीणों से झड़प हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश हंसदा के नेतृत्व में सीनियर एसपी अनु बिथरे से मिलकर मामले की जांच की मांग की गई है। और पुलिस और पब्लिक के बीच जो अविश्वास बढ़ा है जिसे कम करने के लिए एक बैठक का भी आयोजन मांगा गया है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच एक मानसिक रूप से बीमार महिला को लेकर के जो झड़पें हुई थी उसी के बातों को लेकर के हम लोग एसएसके साथ से मिलने आए, जिसमें उस महिला को लाने के दरम्यान में हल्की झड़प हुई थी। इसमें कई निर्दोष लोगों का नाम वहाँ साजिश के तहत डाल दिया गया है ताकि उनका अपना यह पूरा हो, और उसी के लिए हम लोग सीधे साहब से कहा है कि ये जो पुलिस और ग्रामीणों के बीच अविश्वसनीयता के प्रति अविश्वसनीयता होने के चलते जो झड़प हुआ है। जमशेदपुर के मानगो में लोग इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें कि जल मीनार में आई खराबी के कारण हजारों घरों को पानी के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
ये बिग बाजार के पीछे में आता है कुमरुम बस्ती, ये 25,000 लीटर का है पानी टैंकी है, 25,00,000 लीटर। वजह ये है कि सर ये जो सिस्टम है इंजन वाल्व स्लिप हो गया सुबह मॉर्निंग में, वाल्व जी हाँ सप्लाई खोलने किए हैं तो पूरा फुल टैंक पानी था जिससे वाल्व पूरा स्लिप हो गया हेड वाल्व, इसी की वजह से हम लोग पानी को ड्रेन करना पड़ रहा है, पानी टैंकी से निकालना पड़ रहा है। लातेहार में रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं स्थानियों के अनुसार 2 दिनों से वहां शव पड़ा हुआ था। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हाथी को बचाने में ट्रक पलट गई जिसमें चालक और खलासी घायल हो गए। बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुनील क्या नाम, सुनील पूरा क्या नाम है? गोप है, सुनील गोप का। इतना डेंजर सीट आया चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम के जिला समन्वय में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संचालन हेतु जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से जिले में उत्साहपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। योगा दिवस के अवसर पर जो समारोह आयोजित होगा इस संबंध में तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक आज हुआ है। पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन और सभी टाउन में जो प्रभावी सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग किया गया और 21 तारीख को इस बार सौभाग्य के विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गौरव प्रदान करते हुए हमारे राज्य में आ रहे हैं और रांची से मुख्य कार्यक्रम, मुख्य समारोह जो पूरे विश्वभर लोग देखेंगे वो समारोह रांची में होगा। तो उसी लाइंस पे हर जिला में भी उसी लेवल का अच्छा कार्यक्रम करने के लिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया। उसी आदेश के अनुसार 21 तारीख को सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में भी योगा का कार्यक्रम होगा। बुलेटिन बस इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 11। नमस्कार।